आप सभी का फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 और वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दूंगा। फर्स्ट है, इंडेक्स फंड्स इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, वो इतना प्रोमिनेंस क्यों गेन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स। एंड सेकेंड, मैं आपको डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स के बीच के डिफरेंस को एग्जाम्पल से बताऊंगा, और उस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप कभी भी किसी भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस पोर्टफोलियो में रफली 60-70% हमारा कोर पोर्टफोलियो होता है एंड ओनली 30-40% सेटेलाइट पोर्टफोलियो होता है। और कोर पोर्टफोलियो में ज़्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसलिए हमें लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का अच्छा जानकारी होना जरूरी है ताकि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकें। इस वीडियो में मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूंगा। अगर आपको इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, लाइक सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस, रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स एंड फंड मैनेजर डिटेल्स, तो मैंने लार्ज कैप कैटेगरी पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया है जिसमें ये सारे डिटेल्स हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टोटल नंबर ऑफ फंड्स इन लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी में टोटल 29 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दिस 29 स्कीम्स, हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM काफ़ी कम है या फिर वो रिलेटिवली न्यू फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज, हम वैसे फंड्स को रिमूव करेंगे जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। एंड विंटेज वाइज, हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स का भी अवेलेबल नहीं है। सो आउट ऑफ दिस 29 फंड्स, वी कैन रिमूव 11 फंड्स फ्रॉम आवर फाइनल लिस्ट। मैंने उन सारे फंड्स को हाईलाइट किया है जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। ये फंड्स है बड़ौदा लार्ज कैप, एडलवाइस लार्ज कैप फंड, IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी, इंडिया बुल्स ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, JM लार्ज कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप प्रगति योजना, नवी लार्ज कैप इक्विटी फंड, PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड, टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड एंड यूनियन लार्ज कैप फंड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 18 फंड्स। इन 18 फंड्स का हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। आउट ऑफ दिस 4 होराइजन्स, मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर में हाईलाइट किया है जो कि अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं, और मैंने उन रिटर्न्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 2% से बीट किया है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक नंबर 8 HSBC लार्ज कैप इक्विटी फंड। ये फंड ऑल 4 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50। और जैसा कि आपको पता है कि इन एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स, इंस्टेड ऑफ दिस फंड आप निफ्टी 50 बेंचमार्क में इन्वेस्ट करेंगे जिसका रिटर्न भी अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। सिमिलरली और भी ऐसे फंड्स हैं जो कि 2, 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। नेचुरली हम इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। यहाँ हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अच्छे क्वालिटी के फंड में करना होगा, क्योंकि अगर आपने अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अंडर परफॉर्मिंग फंड में किया तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स काफ़ी कम आएंगे एज कम्पेयर टू अदर गुड फंड्स। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इंश्योर करें कि आप एक गुड क्वालिटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप रेगुलरली अपने फंड का रिव्यू करें ताकि किसी फंड का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है तो आप उस फंड को रिप्लेस कर सकें एक अच्छे फंड से। आउट ऑफ दीज 18 फंड्स, हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 2, 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मेंस, आउट ऑफ दीज 18 फंड्स हम 14 फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, BNP परिवास लार्ज कैप फंड, DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, HDFC टॉप 100 फंड, HSBC लार्ज कैप इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, IDFC लार्ज कैप फंड, LIC MF लार्ज कैप फंड, L&T इंडिया लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, टाटा लार्ज कैप फंड एंड UTI मास्टर शेयर फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 4 फंड्स। नाउ आउट ऑफ दिस 4 फंड्स हम कोटक ब्लू चिप फंड के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इस फंड ने 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। 3 ईयर्स में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अबाउट 1.5% के मार्जिन से बीट किया है, लेकिन 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में ये फंड बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, दैट इज इसका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहा है। सो आउट ऑफ दिस 4 फंड्स हम कोटक ब्लू चिप फंड को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 फंड्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मेरे एसेट लार्ज कैप फंड।
नाउ लेट्स रैंक आवर टॉप थ्री लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। सो लार्ज कैप स्पेस में हमारा टॉप फंड होगा एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 50.41, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 16.99, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 18.01 एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 14.79। सो ये फंड 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और इसने कॉम्प्रिहेंसिवली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सेकेंड फंड होगा केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 55.62, 3 ईयर्स का रिटर्न है 19.05, 5 ईयर्स का रिटर्न है 18.46 एंड 10 ईयर्स का रिटर्न है 13.98। ये फंड भी 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। थर्ड फंड है मिरे एसेट लार्ज कैप फंड। 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 57.40, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 15.46, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 17.15 एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 15.80। सो इस फंड ने अक्रॉस ऑल फोर होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि क्यों हमें डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों हमें रेगुलर फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लार्ज कैप के टॉप थ्री फंड्स लिया है, दैट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मिरे एसेट लार्ज कैप फंड। ऑल थ्री फंड्स का मैंने थ्री होराइजन, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स में रिटर्न लिया है डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान का। सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 ईयर होराइजन। एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 50.41%, जबकि इसके रेगुलर प्लान ने रिटर्न जनरेट किया सिर्फ 48.56%। सो एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान ने 1 ईयर में एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान 1.85% ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। सिमिलरली फॉर केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, 1 ईयर में इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने रिटर्न दिया 55.62, जबकि इसके रेगुलर प्लान ने रिटर्न दिया सिर्फ 53.21। और इस फंड के लिए डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान का डिफरेंस है 2.41%, दैट इज ह्यूज रिटर्न्स। सिमिलरली फॉर मिरे एसेट लार्ज कैप फंड, इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 57.40, जबकि इसके रेगुलर फंड ने रिटर्न जनरेट किया 55.69%। यहाँ भी इन दोनों प्लान का डिफरेंस है 1.71%। अगर आप इन फंड्स के 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन को भी देखें तो वहाँ भी काफी बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स के रिटर्न्स में। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एवरी ईयर एटलीस्ट 1-2% रिटर्न्स लूज आउट कर रहे हैं, और अगर आपने इन फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो एवरी ईयर आप ये जो 1-2% लूज आउट कर रहे हैं उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपके रेगुलर प्लान्स के रिटर्न्स काफी कम आएंगे एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान्स। सो नाउ आई होप कि इन डिटेल्स को जानने के बाद आप कभी भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।